नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं पूरन पोली की रेसिपी। इसे बिहार साइड में दाल की पूरी भी कहते हैं। आपके साइड में इस रेसिपी को क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप चना दाल, जिसको मैंने अच्छी तरीके से 3-4 पानी से साफ़ करने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं ये आसानी से टूट जा रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक, हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही डालूँगी मैं सॉल्ट, ताकि ये आराम से जल्दी से कुक पक कर रेडी हो जाए। हल्दी नमक डालकर मैं इसे बॉयल कर लूँगी। मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर दूँगी और कुकर के ढक्कन को बंद करके मैं 4 से 5 सीटी आने तक पका लूँगी मैं। तो चलिए मैं इसे पकने दे। कुकर के अंदर 5 से 6 सीटी लग चुकी है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक मैं दाल की एक मसाला, स्पेशल मसाला बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं जो स्पेशल मसाला बनाने वाली हूँ, उसके लिए लिया है मैंने 15 से 20 मैंने लिया है गार्लिक लहसुन, जिसको मैंने छील के तैयार कर लिया है। और लिया है मैंने 7 से 8 ग्रीन चिली, आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको मैं इस खलबट्टे के अंदर डालकर दरदरा कूट कर तैयार कर लूँगी मैं। मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ताकि ये अच्छी तरीके से कूट कर तैयार हो जाए। अब मैं इसे कूट कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसे दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। कुकर का सीटी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है। अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और चूल्हे के ऊपर गैस चढ़ा दे, चूल्हा के ऊपर जो है कढ़ाई चढ़ा देती हूँ मैं। कढ़ाई जब बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून जितना ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तब मैं डालूँगी 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड। जब जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए, तब मैं डालूँगी ये जो मैंने दाल बॉयल किया है, इस दाल को मैं डाल दूँगी। दाल डालने के बाद मैं दाल को अच्छी तरीके से मिला दूंगी। दाल को अच्छी तरीके से चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने हरी मिर्च और लहसुन को कूटकर तैयार किया था, ग्रीन चिली और गार्लिक, इसके पेस्ट को मैं डाल दूंगी। इसमें ऑलरेडी नमक रखा हुआ है, दाल को बॉयल करते समय भी मैंने नमक डाला था और चिली को कूटते समय भी मैंने नमक डाला था। और साथ ही मैं डाल दूंगी
भुना हुआ जीरा पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितना, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। इन सबको डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्राई होने तक भून कर तैयार कर लूँगी। दाल भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से भूनने में 3 से 4 मिनट लग चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में डाल दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। मैंने दाल को एक प्लेट में डाल दिया है, अब ये ठंडा हो जाएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं पूरी के लिए मैं आटा लगाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने लिया है 2 कप व्हीट फ्लार और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है मैंने, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी अजवाइन कैरम सीड लगभग 1 टीस्पून जितना मैं डालूँगी। कैरम सीड है, इसको मैं हाथ से मसलते हुए डालूँगी ताकि इसका टेस्ट जो है बढ़ के हुए, मसल के डालने से इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। और साथ ही मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक लगभग 1/2 टीस्पून में जितना डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी दाल के अंदर नमक है। मैं सॉल्ट डाल दूँगी। सॉल्ट डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से, जिस तरह से रोटी का डो लगाते हैं ना, उस तरीके से लगा के तैयार कर लूँगी मैं। पहले मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें जितनी पानी की आवश्यकता होगी उतना पानी, मैंने नॉर्मल वाटर लिया है। अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो लगा कर तैयार कर लूँगी मैं। लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये फूलकर अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। आटा को फूलते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है और दाल भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो चलिए, अब देर किस बात की, अब पूरी बनाना शुरू करते हैं। पूरी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। मैंने लगभग 1 कप के जितना ऑयल डाल दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं पूरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले मैं आटे का एक छोटा सा पार्ट ले लूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए राउंड शेप दे दूँगी मैं इसे। उसके बाद मैं ड्राई आटे के साथ इसे डस्ट करूँगी। डस्ट करने के बाद मैं हाथ की सहायता से ही छोटा सा रोटी बना लूँगी। इस तरह से कैविटी तैयार कर लूँगी मैं रोटी का, और इसके अंदर मैं जो दाल तैयार करके रखा है उस दाल में से लेके अच्छी तरीके से भरूंगी। इसको इस तरह से भरते हुए जो एक्स्ट्रा आटा जो इसमें से निकलेगा लोई से, उसको मैं तोड़ के साइड कर लूँगी और इसे इस तरह से चिपका दूंगी। आटा के साथ इसे डस्ट कर लूँगी। डस्ट करके फिर मैं हाथ से ही इसे फैला कर बड़ा कर लूँगी। उसके बाद मैं बेलन की सहायता से इसे
रोटी का, रोटी के जैसा बेल कर तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसे, नहीं तो ये फट जाएगा। इस तरह से मैंने बेल के तैयार किया है। अब इधर तेल गर्म हो चुका है, मैं इसको तेल के अंदर डाल दूँगी। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक कर रेडी हो जाए। इस तरीके से ही मैं और भी पूरी बनाकर तैयार कर लूँगी। मैं जब ये एक साइड से 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पक जाए तब मैं इसे पलट के दूसरी साइड कर दूँगी ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से पक कर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो चुका है। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक कर रेडी हो जाए उसके बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी और दूसरी पूरी को मैं डाल दूँगी। इस तरह से मैं सभी पूरियों को बनाने के बाद सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी पूरियों को बनाकर रेडी कर लिया है और साथ ही इसे सर्व भी कर दिया है। अब यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इस पूरी के साथ सर्व किया है गुड़ वाले चावल की खीर और पके हुए आम के साथ। आप एक बार इस पूरी को, जिस तरह से मैंने इस पूरी को बनाया है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से आप भी इस पूरी को बनाएं और आम के साथ खाएं। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको कि आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।